नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज आपको हम रेशियो कराने वाले हैं। रेशियो मतलब दोस्तों अनुपात, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर है ना रेशियो वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। दूसरी बात दोस्तों, आप अगर हमसे मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है ना कंपटीशन में, उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो जो हम फर्स्ट पार्ट आज हम बना रहे हैं रेशियो का, इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट इसका आज हम आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो समझ लेते हैं दोस्तों कि रेशियो क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि रेशियो है क्या। सपोज कीजिए दोस्तों, मैंने दो नंबर लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैंने एक तो ले लिया यहाँ पे 80 और एक ले लिया मैंने दोस्तों यहाँ 70, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने दो नंबर और लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर, मैंने ले लिया यहाँ पर 16 और एक मैंने ले लिया दोस्तों यहाँ पर 40, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्तों, कि आपका एक नंबर था यहाँ पर 18 और यहाँ पे था 70, यहाँ पर 16 और ये था आपका 40। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस किया 10 से 8 और 10 से कितना 7, और दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहली चीज, मैंने इन दोनों को क्रॉस किया 2 से 8 और 2 से कितना दोस्तों 7, और दोनों को रेशियो में यहाँ क्रॉस करके लिख दिया। अब आपने दोनों में देखा कि दोस्तों भाई 8:7 यहाँ भी आ रहा है और 8:7 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको देखा जाए तो हमने 10 से क्रॉस किया था, इसको देखा जाए तो हमने 2 से क्रॉस किया था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब दो नंबर के सेम रेशियो आपके हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। दूसरा, कि आपने देखा होगा कि जब नंबर रेशियो में होते हैं तो आपने देखा होगा 2:3 दो नंबर दे रखे हैं और आप कहते हो कि भैया ए तो हो गया 2x और ये हो गया आपका 3x, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2x जो होता है और ये वाला 3x, मतलब यहाँ पर जो x होता है ना, वो होता कौन सा x है? वो ये वाला x होता है जिस नंबर से इनको क्रॉस किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 3 है नंबर, आपके पास 4 हैं, आपके पास 2 हैं, आपके पास कितने भी नंबर हैं, अगर उन्हें उनकी सबसे छोटी से छोटी इकाई में लिखा जाए, मतलब क्रॉस करके सबसे छोटी से छोटी इकाई में उनको कन्वर्ट करके लिखा जाए, वही होता है प्रॉपर तरीके से आपका रेशियो, ठीक है। मैंने कहा कि 8:7, इसका मतलब ये भी होता है 8/7, इसको भी ना भूलें, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप 2a ले सकते थे, यहाँ पे आप 3a भी ले सकते थे। मतलब यहाँ पर रेशियो के मल्टीपल में हमें कोई ना कोई नंबर लेना होता है, और वो नंबर जो होता है ना दोस्तों, वो आपका सेम होता है कौन सा वाला जिससे हम उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके अलग अलग नंबर हैं तो रेशियो क्या हो सकता है, उनका सेम हो सकता है। नंबर अलग अलग होने पर रेशियो सेम हो सकता है, ये आपको यहाँ पहला पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक्स ए बाई जो भी कुछ होता है ना, वो वही नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ लिखते हैं ना कि 3x, x को मल्टीप्लाई में वही नंबर होता है जिससे कि क्रॉस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा यहाँ से हम अपना वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको जितने भी पैटर्न रेशियो से बनते हैं जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, उन सभी को आपको आज यहाँ फर्स्ट पार्ट में दोस्तों समझना है, ठीक है। और समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। जिस मेहनत से आप भाग रहे हो ना, जिस मेहनत से आप भाग रहे हो, वही मेहनत एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो इस आग में अपने आप को, क्योंकि यही आग आपको हीरो बनाएगी। तो इस बात को मेरी को ध्यान रखिएगा कि जिस मेहनत से आप डर रहे हो ना, वही मेहनत आपको कल सफलता जरूर दिलाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके पैटर्न यहाँ समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न आपको यहाँ समझना है कि अगर दोस्तों आपको दो नंबर का रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी, और यहाँ दे रखा है ए रेशियो बी, जैसे दे रखा है 4:3, ठीक है। अगर यहाँ दे रखा है बी रेशियो 3 और यहाँ पे दे रखा है 3:5,
ध्यान से समझना, एक एक पैटर्न आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि भैया दे रखा है ए रेशियो बी और यहाँ दे रखा है बी रेशियो सी, ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और ये दे रखा है 4:5, ठीक है। दोनों में आपसे पूछा जाएगा कि भैया ए रेशियो बी रेशियो सी आप बताइए, ठीक है। पूछा क्या जाएगा मेरे भाई कि ए रेशियो बी रेशियो सी आप बताइए। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको जस्ट इन सेकंड इस बात को कैसे समझना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बात को कैसे समझना है कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने कहा ए रेशियो बी 4:3, बी रेशियो सी 3:5। पहली चीज ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पर हमने देखा मेरे भाई कि यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, बी पे ख़त्म होने के बाद यहाँ से बी के बाद सी आ रहा है, मतलब इसमें भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, और इसमें भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3, यहाँ भी बी की वैल्यू 3 है और यहाँ सी की वैल्यू 5 है, मतलब ए और सी की वैल्यू अलग है और यहाँ पर बी की वैल्यू सेम मैच हो रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई पैटर्न यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट बी पे ख़त्म, बी से स्टार्ट सी पे ख़त्म, मतलब यहाँ 4 से स्टार्ट 3 पे ख़त्म, 3 से स्टार्ट 5 पे ख़त्म, इसका मतलब बी यहाँ पे मैच हो रहा है और यहाँ भी बी मैच हो रहा है। तो आपको कोई पैटर्न उल्टा एन अपोजिट एन कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा लिख देना है कि भैया ए का रेशियो 4 हो गया, बी का रेशियो 3 है और सी का रेशियो 5 है। ये गलती आप बार बार पे करते हो, जो कि आपको नहीं करनी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी एन का मल्टीप्लाई कर देते हो, जिस वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो पहला पैटर्न आपका ये हो गया, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको मैं यहाँ बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपने हमसे मैथमेटिक्स पढ़ लिया ना, तो आप एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हैं और अपने तरीके नए बना भी सकते हैं और क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसी बात पर दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, मतलब यहाँ ए और बी की वैल्यू अलग है, यहाँ बी और सी की वैल्यू अलग है। मतलब यहाँ से अगर हमने देखा कि भैया बी तो यहाँ पे मैच हो रहा है लेकिन बी की वैल्यू मैच नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई कि 2:3 जो दे रखा है और 4:5 दे रखा है, कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में उल्टे एन का मल्टीप्लाई कर देना है। उल्टे एन का इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना। कैसे? पहले आपको करना है 4 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा, रेशियो लगा देंगे। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से ये दोनों जा रहे हैं ऊपर की साइड में। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12, ठीक है। और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके आप जल्दी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, उल्टे एन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक सिंपल सा मेथड आपको साथ ही साथ मैं यहाँ बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब एक एक पॉइंट आपको मुझे बताना चाहिए। देखिए किस तरीके से मैंने कहा कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दोस्तों आपको निकालना है। आपको यहाँ से पता लगा कि भैया ए रेशियो बी है 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी है आपका 4:5। 4 रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो गैप होगा उसको फिल करना है। देखिए ध्यान से, 3 के बाद कुछ नहीं, तो आपको 3 यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे इस लाइन में 4 से पहले कुछ नहीं, तो आपको 4 भी यहाँ पे फिल कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीपल करना है। 2 का 4 में 8 हो जाएगा, 4 का 3 में होगा 12 हो जाएगा, 3 का 5 में होगा यहाँ 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप चुटकियों में दोस्तों किसी भी तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही हम आपको आगे धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं नंबर को, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे हम कर देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आज क्लियर होने वाला है, ठीक है।
देखिए ध्यान से, मैंने कहा मेरे भाई ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है। आगे इससे ज़्यादा पैटर्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे आपसे। डी रेशियो ई भी आपसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज वैसे तो मुश्किल ही पूछेगा क्योंकि नहीं पूछा जाता ज़्यादा, ठीक है। तीन से ही काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको दिया है दोस्तों 1:2, इसको दिया है 4:3 और इसे दिया है 5:6, ठीक है। आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, पहला पॉइंट आपको देखना है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई कि ए रेशियो, बी रेशियो, ठीक है, और सी रेशियो, डी रेशियो, इस तरीके से आपसे ये पैटर्न पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है ए रेशियो डी। ये डायरेक्टली आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको हम और भी अच्छे शॉर्ट पैटर्न से आपको बताएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। देखिए, आपको पहले इन चारों को निकालना, किस तरीके से आप निकाल पाएंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ से आपको करना है ए रेशियो बी वाली जो वैल्यू, केवल आप वैल्यू लिखिए, अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बार बार पे हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है दोस्तों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है जिसमें आपको पूरा एक एक मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। जितना कम लिखोगे और जितना अपना तर्क लगाओगे उतनी ही जल्दी टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है, 1:2 और 4:, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करके बड़ा लिखता हूँ जिससे देखिए, आपको क्या करना है 1:2, ठीक है, और 4:3 यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको क्या करना बताया था मैंने, उल्टे एन का मल्टीप्लाई तो कर देना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, उल्टे एन का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा 4×4, ठीक है, 4×2=8, ठीक है, और 3×2=6। यहाँ तक बात आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। उसके बाद आपको ए बी सी निकल आएगा, उसके बाद आपको डी भी तो चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से, हमारा जो नंबर है ये वाला, ठीक है, हमारा जो नंबर है ना ये वाला, इसको आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट सेकंड पे पुट नहीं करना, सेकंड थर्ड पे पुट करना है, क्योंकि ए बी बी से यहाँ पे ये कॉमन होता है, ठीक है, ये कॉमन होते हैं, ये वाला कॉमन नहीं होता, तो ये तो एक ही बार रिपीट होगा, ये कॉमन होते हैं दोनों, यहाँ से ए और यहाँ से ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 और 6 यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, और फिर से दोबारा अपोजिट एन का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, उल्टे एन का मल्टीप्लाई आपको यहाँ कर देना है, कर दिया। लेकिन यहाँ जो नंबर बचा है ना, एक नंबर रह गया ना 4, उसका भी कुछ करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसका इसमें और मल्टीप्लाई आप कर दोगे, मतलब फर्स्ट नंबर का तीनों में मल्टीप्लाई आपका होगा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। या आप इसको ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तीर से ही आप समझ लेंगे, ठीक है, ये मुझे पता है। देखिए 4×5=20 आ गया, ठीक है। उसके बाद उल्टे एन का मल्टीप्लाई आपको कर, एक केवल इस नंबर का आपको मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना है, 5×2=40, ठीक है, और यहाँ से 5×6=30, ठीक है, और यहाँ से 6×36, ठीक है। अब ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि ए बी सी डी का जो रेशियो आएगा वो 20:40:30:36 नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ए डी में आपको भी बता दूंगा कि यहाँ जो भी नंबर आपके आते हैं उनको आपको क्रॉस करना होगा किसी एक नंबर से, जैसे 2 से ये 10 टाइम, 2 से ये 20 टाइम, 2 से ये 15 टाइम, ठीक है, और 2 से ये 18 टाइम, ठीक है। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी में ए डी आपसे पूछता तो आपको क्या करना था, तो आपको पता है वैसे ए आपका 10 आया और डी आपका 18 आया, तो आपसे ए और डी पूछा जाता तो आप क्या करते, भैया पहले चारों को निकालते, चारों को निकालने के बाद आप लिखते 10:18, ठीक है, फिर 2 से क्रॉस करते, भैया 2 से 5 और 2 से कितना 9। अगर ये 5:9 आपका डायरेक्ट आ जाए तो कितना बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना,
तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर, सॉरी यहाँ पे बी लिख किया गलती से, स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको बता दूँ डी आएगा, ठीक है। ए रेशियो डी आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है ए 10 था और डी आपका 18 था, और दोनों को हमने 2 से क्रॉस किया तो 5:9 आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन थोड़ा सा इसको बारीकी समझ लेते हैं तो हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे ए रेशियो डी, इतना टाइम आपको नहीं लगाना है। और ज़्यादातर ये ए रेशियो डी ही ज़्यादातर अभी तक पूछा गया है, इस वजह से ये बहुत जल्दी हो जाता है। ध्यान से देखिए, इस वजह से जल्दी नहीं मतलब कॉन्सेप्ट भी जल्दी हो जाता है, कभी कभी लूज ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ए रेशियो डी डायरेक्टली अगर निकालना है, ठीक है, बार बार में बी लिख रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन डी डायरेक्टली। अब आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर 1:2, मैंने आपको बताया रेशियो का मतलब है अपॉन, तो आपको क्या करना है 1/2 मल्टीप्लाई करना है। 4:3 मतलब 4/3, 5:6 मतलब 5/ कितना दोस्तों 6। कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, केवल सिंपल सा आपको सीधा सीधा करना है कि 2 से क्रॉस होगा 2 टाइम, 2 से क्रॉस होगा 3 टाइम, तो ऊपर बच गया आपका 5 और नीचे बच गया आपका 3:9 ए अपॉन डी, मतलब ए रेशियो डी आपका आ गया दोस्तों 5:9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जल्दी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ नया समझते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी रेशियो के पैटर्न हैं इनको आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, उसके बाद सेकंड जो पार्ट आएगा ना उसमें हम रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड पार्ट आएगा उसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी बैंक रेलवे के क्वेश्चन करेंगे, और फोर्थ पार्ट जो होगा ना उसमें हम आयु संबंधी इसी तरीके से करने वाले हैं रेशियो के तरीके से, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से पार्ट वाइज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो को, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर देता वो, तो मैंने यहाँ पहले से ऑलरेडी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से आपको लिखा जाए कि ए इक्वल 2/3 बी, ठीक है, आपको लिखा जाए बी इक्वल 3/4 सी, और आपसे पूछा जाए ए बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ आज स्क्रीन पर दिखाई नहीं देने वाले क्योंकि ये पैटर्न हैं, इनको आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना कि मैंने लिखा 5x=3y, इसका मतलब मेरे भाई होता है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 होती है, वाई की वैल्यू 5 होती है, बस ये आपको समझाना था, ध्यान से देखना। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते तो आपको पता है 3 इधर आ जाता तो ये हो जाता 3a और ये हो जाता आपका 2b, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ठीक है। क्या आपको इसको इस तरीके से ऊपर करने की ज़रूरत है कंपटीशन में? नहीं है मेरे भाई, अगर इस तरीके से आपको ओपन ही करना है तो फिर कंपटीशन का मतलब ही क्या हुआ? इस तरीके से आपको इसको ओपन नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सिंपल तौर पर क्या लिखना है वो मेरे भाई समझ लेना है आपको। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यही तो चाहिए था, ए रेशियो बी अगर हमारे पास होता, बी रेशियो सी हमारे पास होता तो हम आसानी से इसको निकाल सकते थे ना, उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 3, नीचे वाला हमेशा नीचे वाला उसी का मान होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊँ ना उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b का मान 3 हो गया, ध्यान से सुनना, और c का मान हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब आपको उल्टा n की मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अगर यहाँ पे b मैच है और यहाँ पे भी b मैच है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ए की वैल्यू आपकी 2 होगी, बी की वैल्यू आपकी 3 होगी और सी की वैल्यू आपकी 4 होगी, ये आपका आंसर यहाँ चुटकियों में आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों कुछ करना पड़ा आपको? नहीं, क्योंकि आप हरिश्चंद क्लासेस पर हैं, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पैटर्न से
कॉन्सेप्ट वाइज हम क्वेश्चनों को यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से आगे, यहाँ एक नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं आपका। अगर इस तरीके से आता 3a इक्वल 4b और ये कॉन्सेप्ट पहले मैंने लिखे हुए हैं, आपको यहीं पे दिखाई दे रहे होंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा अभी, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम जो हैं क्वेश्चंस करेंगे a रेशियो b रेशियो c। ये सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने उठाए हुए हैं सभी बुकों के हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए यहाँ बनाया हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या निकालना था मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ए रेशियो बी और बी रेशियो सी होता तो आप आसानी से इसको निकाल सकते थे, ठीक है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको पता है ए का मान 4 हो गया, बी आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से बी आपका 6 हो गया और सी आपका यहाँ पे 5 हो गया। अब बताइए कुछ करना पड़ा नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जो मैंने कहा है केवल आपको वही करना, उल्टे हैंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है। 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। और 5 3 जा 15 हो गया, क्रॉस हो रहे हैं, पता है 3 से क्रॉस होंगे, 3 से 8 टाइम, 3 से 6 टाइम और 3 से 5 टाइम। ये आ गया दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे और समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों रेशियो का, सभी पैटर्न आपको मैं इसमें बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वैल्यू घुमा फिरा के दे सकता है। अब देखिए इक्वल में इस तरीके से भी आपको दे सकता था कि 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, और आपसे पूछ सकता था दोस्तों a रेशियो b रेशियो c आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, केवल सिंपल सा एक मेथड यूज करना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कुछ नहीं आपको दोस्तों यहाँ पे करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीनों जो वैल्यू है आपकी उनका आपको क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और आप बचपन से एलसीएम करते हुए आ रहे हैं कि 2 3 4 का जो एलसीएम होगा वो मेरे भैया 12 होगा, ठीक है। कितना होगा मेरे भैया यहाँ पे 12 आपका एलसीएम होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, 2 का यहाँ पे डिवाइड देना है, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 3 का डिवाइड देना है 4 टाइम, 4 का डिवाइड देना है 3 टाइम। आ गया आंसर, कैसे, ये ए का मान आ गया 6 b 4 और c 3। बताइए इससे भी ज़्यादा कुछ आसान हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है ना रेशियो के सभी मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से दे सकता है, उसके बाद लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊँगा, ठीक है। बस आपसे इतना ही तो कहता हूँ मेरे भाई, ठीक है, कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, बारीकी से बारीक आपको समझ, देखिए इस तरीके से ही पैटर्न आपसे पूछा जाता है कि 2 1/3 रेशियो 3 1/4 रेशियो 1 1/6, इस तरीके से दोस्तों आपको पूछ सकता है, और आपसे केवल कहेगा दोस्तों कि सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। सरलतम रूप में आपसे लिखने के लिए कहेगा, कुछ नहीं करना है, वही बच्चों वाला खेल दोस्तों, आप जानते हो कि इस पैटर्न को किस तरीके से सीधा लिखा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखना तो आप जानते हो कैसे, ध्यान से देखेंगे, यहां से देखिए 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 का 3, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 4 का 4, ठीक है।
यहाँ से 6 1 6 और 1 7 6 का 6। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बार बार पे बता रहा हूँ वही काम दोस्तों आपको यहाँ करना है कि क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे ये और ये, इन तीनों का आपको एलसीएम यहाँ ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है तो आपको पता चला कि भैया एलसीएम तो आ गया यहाँ पे 12। अब देखिए क्या करना है, आपको निकालना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ए बी सी लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आया, 12 12 और 12 आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, ये सरलतम रूप में लिखने का सिंपल पैटर्न है, ध्यान से देखिए। पहला 7/3 है तो 7/3, ठीक है। दूसरा आपका 13/4 है, 13/4। तीसरा आपका 7/6 है, 7/6। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 से 4 क्रॉस होगा 4 टाइम 4 7 जा 28 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 4 से 3 टाइम क्रॉस होगा तो 13 3 जा 39 हो जाएगा। 6 से 2 टाइम क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40। मतलब आपका जो सरलतम रूप आएगा वो आएगा 28 39 और आपका 14, यहाँ पे सरलतम रूप आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी पैटर्न जो थे रेशियो के, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको यहाँ बता दिए हैं, तो जल्दी से दोस्तों मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।